आंधी ने अपनी छोटी बहन मंदवायु को देखकर उससे बोला कि तुम मेरी तरह शक्तिशाली क्यों नहीं बनती। देखो, जैसे ही मैं आती हूं, मेरे आने का समाचार लोग दूर दूर तक पहुंचा देते हैं। बड़े से बड़े जहाज को मैं तिनके की तरह उठा के फेंक देती हूं। समुद्र की लहरों में भूचाल लाती हूं मैं। लोग मुझे देखकर तितर बितर हो जाते हैं। पशु पक्षी जंगल में हाहाकार करने लगते हैं। बड़े से बड़े देश को मैं उखाड़ कर फेंक सकती हूं, तो मेरी तरह शक्तिशाली क्यों नहीं बनती। इस पर मंदवायु थोड़ी सी मुस्कुराई, अपना चेहरा उठाया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। और जैसे ही वो अपनी यात्रा पर निकली, सब लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। नदियों ने उसका स्वागत किया, समुद्र ने उसका स्वागत किया, पशु पक्षी चहकने लगे, भौरे गुंजन करने लगे, फूल खिलने लगे और हर जगह एक खुशनुमा वातावरण बन गया। और वंदवायु ने अपनी शक्ति का परिचय इस तरह से आंधी को दिया। दोस्तों, जहां पर तलवार काम नहीं आती है ना, वहां पर सुई से काम हो जाता है। अगर आप भी लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, उन्हें खुश करना चाहते हैं, तो मंद वायु की तरह बनिए, ना कि आंधी की तरह। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।